घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। सारे गा पा धा प गरे सा गरे गरे सा ध ध गरे ध सा गरे सा ध सारे गा पा ग प धा प गरे रे ग प रे गरे प रे गरे ध ध ग रे ध सा। हर राग का अपना एक स्वरूप होता है, हर राग की अपनी एक प्रकृति होती है। प्रकृति में उसका जो चलन है वो कहीं ना कहीं हमें एक रस प्रदान करता है, कोई सा भी एक रस हो सकता है। उसी वजह से हमें पता चलता है कि ये राग का स्वरूप जो है, ये चलन जो है, ये जो प्रकृति है, ये हमें क्या कहना चाहती है। क्योंकि हर राग अपने आप में एक भाव है। राग मात्र स्वरों का या शब्दों का या छोटे ख्याल बड़े ख्याल सीखना मतलब राग नहीं होता है। राग मतलब भाव, है ना। जैसे अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, है ना। राग रस से कितना रिलेटेड है और रस के बिना राग हो ही नहीं सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। और रस यानी इमोशंस, भाव, है ना, उनको समझना। तो अभी अभी जो मैंने प्रस्तुति छोटी सी एक करी, एक आलापचारी, अगर महसूस कर सके हो तो माहौल बड़ा उदास है उसमें। अगर उन स्वरों को आप सुनो, खुशी नहीं होगी आपको, ये तो फॉर श्योर है कि उसको सुन के अंदर एक उमंग, उल्लास, हर्ष, ये भाव नहीं पैदा होंगे। इन स्वरों को, इन स्वर संगतियों को, इन स्वर समूहों को सुनकर एक उदासपन, आपको एक उदासी महसूस हो सकती है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपको तन्हाई महसूस हो सकती है, किसी की याद महसूस हो सकती है, आपको ये सारे फील इस राग में आ सकते होंगे। और भी कई रस आएंगे इस राग में, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस राग का नाम है राग शिवरंजनी, जिसमें कि बहुत ही हमने देखे हैं उदास गीत भी बने हैं, तो याद किसी की आ रही है उसमें भी गीत बने हैं, तो साथ ही साथ इसमें शिव के भजन भी बने हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राग शिवरंजनी क्या होती है, क्या उसका स्वरूप है, और किस किस प्रकार के गीत उसमें बनते हैं, और कैसे कैसे और हम और बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, हर राग के अलग अलग मत होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी शास्त्रकार के कई मत होते हैं उस राग को लेकर कि ये जो पर्टिकुलर राग है ये वाला फील देती है। लेकिन कोई कहता है कि हाँ ये तो देती है, पर ये भी देती है,
है ना, मतलब ये इमोशन भी इस राग से निकलता है। इमोशन क्या है, नज़रिया है ना, मुझे इस इन स्वरों में एक दुख अगर नज़र आ रहा है, कोई मुझे इन्हीं स्वरों की संगतियों में कोई और अपने नज़रिए से कोई और भाव अगर दिखाता है तो वो भी उसका सच है, उसके अनुसार वो भी ठीक होगा क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक दे रहा होगा वो। तो आज हम जानेंगे राग शिवरंजनी के बारे में जो कि थाट काफ़ी की है। जैसा कि आपने देखा होगा इसमें गंधार कोमल लग रहा है और मध्यम निषाद वर्जित हैं। हमने इसमें ये स्वरूप देखा सारे ग प ध सा, सारे ग प ध सा स्वर जो हैं वो एक और राग में लगते हैं जो कि भोपाली है, जो कि देशकार है, है ना। ये दोनों रागे हैं जिसमें सारे ग प ध सा लगते हैं जो कि भूपकली है, भूपेश्वरी भी कहते हैं जिसको, इन सब में सारे ग प ध सा ही लग रहे हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि सारे ग प ध सा शुद्ध लगाओ तो देशकार और भूपाली बनते हैं और गंधार कोमल लगाओ तो शिवरंजनी बनती है, और सारे ग प ध सा में धैवत कोमल लगाओ तो भूपकली भूपेश्वरी बनती है, है ना। ये तो चलो इसका स्वर आप समझ गए कि क्या चलन इसका है, कि स्वर की स्थिति क्या है, कि गंधार कोमल है, मध्यम निषाद वर्जित है, ठीक है। कई लोग इसे खूबसूरत बनाने के लिए एक विवादी स्वर शुद्ध गंधार का भी प्रयोग इसमें कर देते हैं, जो कहीं कहीं कैसे होता है वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, और कैसे उससे खूबसूरती आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसके चलन पर अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक सैडनेस है, तो साथ ही साथ जैसे मैंने एक एस्पेक्ट और बताया आपको, जैसे मैंने बताया मत होते हैं अलग अलग संगीतकारों के, तो एक मत ये भी कहता है कि ये महज ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदास चीज़ों पर ही आप इसका यूज़ करें, इसका यूज़ आप शिव भजन में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही शिव रंजनी है, रंजन मतलब मनोरंजन, है ना, यानी शिव को प्रसन्न करने वाली राग अगर कोई है तो वो हम शिवरंजनी मान सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कई एग्जांपल भी दूंगा कि शिव भजन भी इसमें बनते हैं, ठीक है। शिवरंजनी हो गई, शंकरा हो गई, मालकौंस हो गई, शंकरा नाम में ही शंकर है, मालकौंस माल यानी माथा, कौंस यानी चंद्र, तो शिव के ही चंद्र होता है। तो ये रागों के नाम जो है ये मैंने हमेशा से कहा है, और मैंने क्या, ये तो हर कोई जो संगीत में होगा, शास्त्रीय संगीत में, वो ये जानता होगा कि संगीत दैवीय विषय है, है ना। तो देवताओं से इसका, हमारे इंडियन जो हिंदी माइथोलॉजी है उससे बहुत रिलेशन है। शिव के साथ अगर डमरू है, कृष्ण के साथ बांसुरी है, सरस्वती माँ के साथ वीणा है, है ना, हमारे गणेश जो हैं वो पखावज बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो संगीत है ये आपको वहाँ कनेक्शन दिख रहा है। तो शिवरंजनी वैसे तो शिव के भजनों के लिए एप्ट अगर कोई राग है, यानी ज़्यादा यूज़ करें उसको तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मालकौंस और शंकरा ही है, है ना। लेकिन हम शिवरंजनी का भी कई जगह प्रयोग करते हैं, वो हम देख सकते हैं कई भजनों में। तो एक भक्ति रस भी है इसमें, इस वजह से जैसे मैंने एक बताया करुण रस है इसमें, तो साथ ही साथ भक्ति रस भी है कि आप साधना के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिद्धि साधना से मिलती है, है ना। सिद्धि यानी किसी भी चीज़ में परफेक्शन, यानी सिद्ध हो जाना, कहते हैं ना कि बस ये हो गया, इसको आ गया सारा, ये सिद्ध हो गया, है ना, तो साधना से मिलती है। तो अगर आप शिव की आराधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं, तो आप शिव भजन बना सकते हैं इसमें भी। तो ये कुछ राग के बारे में हो गया। अब राग का चलन देखते हैं एक बार। सा, है ना, गरे सा दसा की संगति है, गरे धसा, धसा रे गरे पगारे धसा। आप देख पा रहे होंगे गंधार प्रबल है इसका, सारे गा पा धा प गरे गरे ध गरे ध सा रे ग ध प, है ना, ये भी संगति जाती है इसमें, ग प ध प गरे ध सा रे ग प ध प ध सा
धा सा रे गा रे ध प गा रे ध सा प ध गा रे ध ध गा रे ध सा। ये इसका कुछ एक चलन है। अब जैसे कि मैंने कहा कि शुद्ध गंधार का भी इसमें कहीं ना कहीं यूज आता है, तो वो कैसे आता है? गरे सा ध ध प ध सा रे गा रे गा प ध प गरे रे सा, है ना। इस अंग से शुद्ध गंधार भी इसमें पंचम के साथ प ग प ध सा ध प ग इस अंग में लगता है। ठीक है, तो ये तो कुछ राग का चलन हो गया, राग के बारे में हमने जान लिया, है ना। अब हम राग के गीतों पे, गजलों पे, है ना, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं।